यानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? ए भाजपा, बी कांग्रेस, सी सपा या डी आप? वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भ्रामक प्रोग्राम वायरल रहने से प्रथम पाली में परीक्षा से वंचित रहे कई छात्र छात्राएं। मदन अहल्या महिला महाविद्यालय में परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। परीक्षा प्रोग्राम की भ्रामक सूचना वायरल रहने और महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को सही परीक्षा प्रोग्राम उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण नवगछिया के मदन अहल्या महिला महाविद्यालय और जीबी कॉलेज के परीक्षा सेंटर पर कई छात्र छात्राओं की परीक्षा छूट गई। मदन अहल्या महिला महाविद्यालय में परीक्षा से वंचित रहे छात्र छात्राओं ने इस बाबत प्रदर्शन किया और महाविद्यालय को माध्यम बनाकर विश्वविद्यालय से पुनः परीक्षा लेने की मांग की है। मालूम हो कि शुक्रवार को ग्रुप एफ के परीक्षार्थियों की अर्थशास्त्र और अंग्रेजी ऑनर्स की परीक्षा प्रथम पाली में होनी थी, लेकिन दोनों सेंटर्स पर उपरोक्त विषयों के छात्र दूसरी पाली में परीक्षा देने पहुंचे थे। छात्रों ने बताया कि सोशल मीडिया में एक परीक्षा प्रोग्राम वायरल था, जिसके आधार पर वे लोग दूसरी पाली में परीक्षा देने आए, लेकिन यहां बोला गया कि परीक्षा प्रथम पाली में ही संपन्न हो गई है। छात्र छात्राओं ने बताया कि वे लोग जब एडमिट कार्ड लेने के लिए महाविद्यालय गए थे तो उस समय भी उन लोगों को गलत परीक्षा प्रोग्राम वायरल होने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। छात्र छात्राएं राजा, विशाल कुमार, अंकित कुमार, सोनी कुमारी, रूबी कुमारी, सावन कुमार, बबली राय, विकास कुमार, उज्जवल झा, उत्तम कुमार, निशांत कुमार, गौतम कुमार, अंकुश, अंकित कुमार, निशांत कुमार, गौरव कुमार आदि ने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण उन लोगों की परीक्षा छूट गई। अगर पुनः परीक्षा नहीं ली गई तो उन लोगों का एक वर्ष बर्बाद हो जाएगा। छात्र छात्राओं ने कहा कि अगर उन लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। कहती हैं प्राचार्य। मदन अहल्या महिला महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती सुदामा यादव ने कहा कि महाविद्यालय द्वारा सही परीक्षा प्रोग्राम सूचना पट पर चिपकाया गया था। अब छात्र छात्राएं किस प्रोग्राम को देखकर परीक्षा देने आ गए इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मामले से विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा। शेड्यूल गलत होने के कारण हम लोगों का एग्जाम छूट गया। हम लोगों का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होना था, लेकिन ले लिया गया फर्स्ट सिटिंग में। जब वो कंट्रोलर से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि आपको जो एडमिट कार्ड मिला है या जो भी शेड्यूल आपके पास है वो गलत है, वो वायरल होने की वजह से है, वो वेबसाइट का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने कॉलेज में जब एडमिट कार्ड मतलब लेने गए तो वहाँ से हम लोगों को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि आप लोगों का मतलब ऐसा कुछ वायरल हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी एग्जाम सेंटर पहुँचे हैं तब पता चलेगा है कि हम लोगों का एग्जाम हो चुका है और हम लोगों को एग्जाम देने नहीं दिया गया। तो हम लोग इनका सोल्यूशन चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब एग्जाम हम लोग का और भी सब्जेक्ट का हो जाए, उसके बाद ये भी छूटे हुए सब्जेक्ट का एग्जाम का डेट निकाला जाए और लिया जाए। आज कौन सब्जेक्ट था? आज ऑनर्स का था, इंग्लिश ऑनर्स। हाँ, ग्रुप एफ में जो भी कहाँ पे है सेंटर? यही मदन, मदन है। कौन कॉलेज से स्टूडेंट? BLS। मैं जो है सेकंड सिटिंग में एग्जाम होना था हम लोग का, पर ये फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम ले लिया गया है। पर जब हम लोग इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का, इंग्लिश इकोनॉमिक्स ऑनर है। कब ये डाटा आया आपके पास? क्या दो तीन दिन पहले स्कूल आने के बाद ये अभी वाला तो अभी यहाँ पे स्कूल से मिल रहा है हम लोग को, यहाँ सेंटर पर से। पहले दो तीन दिन पहले हम लोग को मिला रूटीन। रूटीन क्या था आज का? आज का एग्जाम होना था हम लोग का सेकंड सिटिंग का। हो गया है फर्स्ट पाली में। फर्स्ट पाली में क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार। मामला ये है कि एग्जाम हम लोग का छूट गया है। का है, किस कारण? हम लोग का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम था और ये बोल रहे हैं सेकंड सिटिंग में।
कौन बोल रहे हैं? सेकंड में था फर्स्ट जो ले लिया एग्जाम। फरस बोल मोक्ष अटैक बोले फट कर रहे हैं बाहर में। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा एग्जाम छूट गया फर्स्ट पाली होने की वजह से सेकंड पाली छूट गया। वो तो छूट गया ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इन लोगों ने प्रोग्राम सही से नहीं देखा। विश्वविद्यालय ने जो प्रोग्राम निकाला कंट्रोलर का जिस पर साइन हो उसी को मानना चाहिए। अगर उसको नहीं है देखता है नहीं मानता है तो बच्चों की गलती है। आजकल मीडिया पर तो बहुत कुछ आता रहता है, उसको नहीं देखना चाहिए। हम कंट्रोलर का साइन है या नहीं है, विश्वविद्यालय ने क्या निकाला उसको देखना चाहिए। क्या रूटीन जो है मैडम सही है या गलत है बच्चे जो कर रहे हैं? मैं वो नहीं जानती, मेरे पास बिल्कुल सही है। अच्छा, बच्चे कहाँ से लाया क्या मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कॉलेज को जो प्राप्त है बिल्कुल सही है उसी के अनुसार परीक्षा। आज किस चीज़ का कब होना था परीक्षा मैम? किस पाली में होना था? फर्स्ट पाली में होना था। कौन सब्जेक्ट का था मैम? इसमें ग्रुप है, ग्रुप एफ। मामला नवगछिया, सहायक विद्युत अभियंता कार्यालय से 17 लाख की कैश लूट का। नवगछिया के गोपालपुर थाना अंतर्गत सहायक विद्युत अभियंता कार्यालय में दो दिन पूर्व हुए 17 लाख रुपए लूट मामले में नवगछिया पुलिस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने को लेकर कई तरह की प्रक्रिया की जा रही है। इस लूट के उद्भेदन को लेकर नवगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज के द्वारा महिला थाने में टीम के सदस्यों के साथ बैठक कर कई तरह का निर्देश दिया गया। दोनों से हिरासत में रह रहे निजी एवं विभागीय नाइट गार्ड को पीआर पर छोड़ दिया है। ऐसे नवगछिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की उद्भेदन को लेकर हम लोग सभी स्तर से जांच किए हैं, जल्द ही इस मामले का उद्भेदन होगा। जानकारी के अनुसार सहायक विद्युत अभियंता कार्यालय में पिछले 4 दिनों से जमा राशि को कैसे लॉकर में रखे रहने के कारण हथियारबंद अपराधी ने नाइट गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट किया। इसको लेकर गोपालपुर थाने में सहायक अभियंता आशीष कुमार के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर मौके से शुक्रवार को कई संवेदनशील सामान पुलिस ने जब बरामद किया है, जिसमें लॉकर तोड़ने का रॉड एवं अन्य चीज बरामद की गई है। पूरे मामले को लेकर FSL एवं डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट की पहचान करने की रिपोर्ट के बाद ही कुछ नया बात सामने आएगा। नवगछिया इको स्पोर्ट्स कार से 9 कार्टून बियर बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के नवगछिया 0 माइल के पास से वाहन चेकिंग के दौरान नवगछिया पुलिस एक कार से भारी मात्रा में बियर बरामद की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब कारोबारी ढोल प्लाजा थाना क्षेत्र के ढोल बज्जर बाजार निवासी मुकेश कुमार मंडल एवं सुमन कुमार शामिल है। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों कारोबारियों और कार को जब्त कर लिया। कार से कुल 9 कार्टून के आसपास बियर का केन बरामद किया गया। नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब को तस्करी के लिए लाया जा रहा है। सूचना के आलोक में नवगछिया 0 माइल के पास चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस दौरान एक उजले रंग की इको स्पोर्ट कार को रोका गया। पुलिस कार की तलाशी ली गई तो कार की डिक्की से 9 कार्टून केन बियर की बरामदगी की गई। इस कार्रवाई के दौरान कार पर सवार दोनों शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी मिली कि दोनों शराब कारोबारी झारखंड के गोड्ढा से शराब लेकर चल रहे थे। कारोबारियों को ढोल बज्जा जाना था। जिस कार से शराब बरामद की गई वो कार भी गिरफ्तार शराब कारोबारी मुकेश कुमार की है। मुकेश अपनी ही कार से बियर को लेकर आ रहा था। थाना अध्यक्ष ने कहा कि कार से बियर बरामद किए जाने के मामले में नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। हाल बेहाल है गोपालपुर अंचल कार्यालय का। महीनों से चक्कर लगा रहे ग्रामीण लगान रसीद ऑनलाइन करवाने हेतु हाल बेहाल है गोपालपुर अंचल कार्यालय का। यहां ग्रामीण पिछले 3-4 महीनों से अपनी जमीन के लगान की रसीद को ऑनलाइन करवाने हेतु चक्कर लगा रहे हैं। लतरा निवासी लाल बहादुर यादव, सैदपुर निवासी नवीन कुमार सिंह, कालिंदी नगर निवासी अशोक सिंह, लत्ती पाकर, धरहरा निवासी राजीव सिंह, गोपालपुर निवासी सुनील कुमार सिंह सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग अपनी जमीन व लगान रसीद को ऑनलाइन करवाने हेतु पिछले कई महीनों से लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, परंतु हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा। लतरा निवासी लाल बहादुर यादव ने बताया कि अपना काम छोड़कर सप्ताह में 2-3 अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ ना तो CO साहब से भेंट होती है और ना ही डेटा ऑपरेटर है और ना कोई अन्य कर्मी।
मैंने 24 फरवरी को अपना आवेदन कार्यालय में जमा किया है। वहीं सैदपुर के नवीन सिंह ने बताया कि मैंने अपना आवेदन 1 मार्च को जमा किया। रसीद के ऑनलाइन नहीं होने के कारण LPC नहीं बन पा रही, जिससे KCC नहीं मिल रही है। इस बारे में पूछे जाने पर डेटा ऑपरेटर तनवीर ने बताया कि मेरा प्रतिनियोजन अनुमंडल कार्यालय में भी कर दिया गया, जिस कारण मैं प्रतिदिन गोपालपुर अंचल कार्यालय नहीं जा पा रहा। अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल ने बताया कि सभी ऐसे आवेदनों को तत्काल डिस्पोजल करवा दिया जाएगा। बताते चले कि DM सुब्रत कुमार सेन ने अंचलाधिकारी का वेतन बंद कर दिया है। आज के लिए हम आ रहे हैं 24/2/21। क्या काम कराने के लिए आए थे? ऑनलाइन रसीद कटाने के लिए। हाँ, क्या कटा? नहीं सर, अभी तो नहीं चढ़ाई भी नहीं किए हैं नेट पर। नेट पे नहीं चढ़ाया है? नहीं। तो आपको कभी मुलाकात हुई? नहीं, किसी से मुलाकात नहीं। किसी से नहीं हो रही नहीं। है ये लगभग कितना दिन हो गया आप जो आवेदन किए हैं? रिसीविंग लिए हुए हैं ना? हाँ। कितना दिन हो गया? 24 को दिए, 24 फरवरी। 24 फरवरी को दिए हैं। आज तक क्या कहना है, ऑनलाइन हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आप जो है कि लगातार आ रहे हैं, कितने दिन बाद आते हैं आप? लगातार 7 रोज आ जाए, 2 रोज 5 बजे ही आते हैं। तो क्या देखते हैं वहाँ से, कुछ आश्वासन मिलता है? क्या होता है? कोई आश्वासन नहीं मिलता। किन्हीं से मुलाकात होती है? CEO साहब से? नहीं 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 होती है। नहीं। आपको कहीं से कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला जी। आपका परिचय, आपका नाम क्या? नाम लाल बहादुर यादव। कहाँ घर? लतरा। कौन मौजे का नहीं चला? लतरा मौजा। बीहपुर NH-31 महंत स्थान चौक से पुलिस ने 20 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। बीहपुर थाना पुलिस ने गुरुवार की देर रात गश्ती के क्रम में NH-31 महंत स्थान चौक के पास से IB के 375 ml की 20 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। मोटरसाइकिल शराब तस्कर नौगछिया की ओर से नारायणपुर की तरफ जा रहा था, वहीं गश्ती पुलिस वाहन को देखते ही मोटरसाइकिल सवार दोनों शराब तस्कर ने शराब से भरे बोरे को पटक कर भाग गया। SI रविंद्र सिंह और पुलिस जवानों ने शराब तस्कर का पीछा किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नो एंट्री में संचालित हो रहे 3 टोटो एवं सड़क किनारे सब्जी बेच रहे सब्जी विक्रेता की दुकान जब्त, होगा जुर्माना। नवगछिया SDO अखिलेश कुमार एवं SDPO दिलीप कुमार ने शुक्रवार की संध्या समय नवगछिया बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शहर की नई ट्रैफिक व्यवस्था एवं सब्जी मंडी को देखा। इस दौरान उन्होंने स्टेशन रोड के मुख्य सड़क के किनारे एक सब्जी की दुकान लगी पाई, जिसे दोनों पदाधिकारी ने तत्काल थानाध्यक्ष नवगछिया शैलेश कुमार को जब्त करने का निर्देश दिया। पुलिस ने तत्काल सब्जी विक्रेता के ठेले को जब्त कर लिया। इस दौरान उन्होंने शहर के नो एंट्री जोन में चल रहे 3 टोटो को चलते हुए पाया। उक्त तीनों टोटो को भी तत्काल जब्त कर थाने भेज दिया गया। SDO अखिलेश कुमार ने कहा कि शहर में सड़क को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए नई सब्जी मंडी बनाई गई है। उक्त मंडी में ही सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी बेचेंगे। इसके अलावा जो अस्थायी दुकानदार हैं, वे शहर के बाहर ही मखा तकिया या फिर मकंदपुर चौक की तरफ ही सब्जी बेचेंगे। उन्होंने टोटो चालकों को भी अपने निर्धारित रूट में ही टोटो संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहर के नो एंट्री हिस्से में टोटो के संचालन होने पर जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब्त किए गए टोटो एवं सब्जी दुकानदार पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। नवगछिया में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नवगछिया प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शुक्रवार को राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन BDO प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर देवव्रत कुमार, STLS जमशेद अहमद, STS प्रतीक जोयब, WHP गौतम कुमार, केयर इंडिया ललित कुमार मिश्र, जीविका के BPM और ACM, आशा फैसिलिटेटर, आशा और यक्ष्मा चैंपियन उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यक्ष्मा के लक्षण और उपचार की बातें की गई और यक्ष्मा चैंपियंस से उनकी कहानी सुनी गई, जिसमें सभी आशा को ये निर्देश दिया गया कि वे यक्ष्मा संभावित मरीज को अपने नजदीकी SWC यमुनिया साहूर पवत्ता ढोल बच्चा में 24 मार्च 2021 को बलगम की जांच के लिए भेजें।
इस कार्यक्रम में BDO प्रशांत कुमार ने यह आश्वासन दिलाया कि वे सभी जन प्रतिनिधि और जीविका कार्यकर्ता के माध्यम से ये सूचना जन जन तक पहुंचाएंगे, जिससे 24 मार्च को होने वाली यक्ष्मा दिवस को अधिक सफल बनाया जा सके। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। मृत युवक के शव की दूसरे दिन भी नहीं हुई पहचान। नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर के पास विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के किनारे यात्री सेट से बरामद अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त दूसरे दिन भी नहीं हो पाई है। शव की शिनाख्त को लेकर परबत्ता पुलिस ने शव को परबत्ता थाने में सुरक्षित रखा है। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि शव की शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। शिनाख्त नहीं होने की स्थिति में 72 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस मामले में थाने में ही UD केस दर्ज कर लिया गया है। मालूम हो कि गुरुवार की सुबह परबत्ता पुलिस ने जगतपुर यात्री सेट के पास से युवक का शव बरामद किया था। नवगछिया रैदास फुटवियर उद्योग के लिए भवानीपुर मनरेगा भवन चिन्हित। नारायणपुर संत रैदासा फुटवियर उद्योग का भागलपुर जिला पदाधिकारी सुब्रत सेन के निर्देश पर निबंधन कराया गया। साथ ही इस उद्योग में रोजगार देने के उद्देश्य से 14 कामगारों को लिखित रूप से जोड़ा गया। फर्म का अध्यक्ष समाजसेवी अजय रविदास को बनाया गया है, जिसके सहयोग में पदाधिकारी जिला निदेशक प्रमोद कुमार पांडे, उद्योग महाप्रबंधक राम शरण राम, DRG AK गोविंद कुमार विश्वकांत जी थे। जिला पदाधिकारी सुब्रत सेन के निर्देश पर BDO नारायणपुर ने तत्काल भवानीपुर पंचायत के मनरेगा भवन मुहैया कराया और इस उद्योग को जिला नवप्रवर्तन औद्योगिक योजना से जोड़ा गया। कार्य के लिए कामगारों ने आभार जताया। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया रोहित शुक्ला बने ब्राह्मण सभा बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय तिवारी ने बीपुर प्रखंड स्थित मिल्की गांव निवासी रोहित आनंद शुक्ला को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ बिहार राज्य का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस मनोनयन से संगठन एवं समाज को एक नई दिशा मिलेगी। इसके लिए अधिवक्ता राधा कृष्ण सिंह, निखिल मिश्रा सहित कई अन्य ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। नवगछिया NH 31 स्थित महाकाल ढाबा में शराब पीते धराए दो शराबी को भेजा जेल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के NH 31 के किनारे महाकाल ढाबा में शराब पीते बेगूसराय के चाणक्य नगर निवासी राजीव कुमार पिता गणेश सिंह व शाहपुर बेगूसराय के नंद किशोर ठाकुर पिता स्वर्गीय वासुदेव ठाकुर को गोपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल जाँच कराकर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का CSC में दीप जलाकर हुआ विधिवत उद्घाटन। जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर CSC गोपालपुर में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय व केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक कमलेश कुमार ने दीप जलाकर संयुक्त रूप से किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि 2085 तक TB रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। 24 मार्च को CSC में बलगम जांच शिविर लगाकर जांच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि TB के मरीजों को मुफ्त दवा 6 महीने तक 500 रुपए के दर से पोषण राशि तथा TB मरीजों को नियमित दवा खिलाने पर प्रति मरीज आशा कार्यकर्ताओं व डॉट प्रोवाइडरों को 1,000 रुपए दिए जाते हैं। मौके पर WHO के मॉनिटर प्रशांत कुमार, TB सुपरवाइजर राकेश कुमार, BRP भवेश कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। गछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया।
पानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।